अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। PSL 6 के धुआंधार मज़ेदार मुकाबले जारी हैं और साथ ही जारी है क्वेटा की हार का सिलसिला। सरफराज की क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक बार फिर धोखा दे गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या मारा है। कॉलिन मुनरो, उस्मान ख्वाजा ने किसी और को क्रीज पर आने की जहमत ही नहीं दी। 6 मैचेस में क्वेटा सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। अब अगर सरफराज ने अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जाना है तो उन्हें अगले चारों मैच जीतना होंगे, वरना जाएंगे वो सीधा नीचे। इवेंट में आज भी क्वेटा का मुकाबला है और सामने है वहाब रियाज की पिशावर जलमी। इस मैच में शिकस्त हुई तो सरफराज की क्वेटा पर प्लेऑफ के दरवाजे तो हो जाएंगे बंद। वैसे इस बार PSL में सब उलट पुलट हो रहा है। सरफराज अहमद की क्वेटा तो हार रही है मगर लाहौर कलंदर्स जो पॉइंट्स टेबल के आखिरी नंबर पर होती थी वो ऊपर ही ऊपर है, पहले नंबर पर। हारते हारते मैच जीत जाती है, पिशावर जलमी को उन्होंने पिछाड़ दिया कल। वैसे PSL के अलावा शो में बात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद की, जो अपनी 64वीं सालगिरह मना रहे हैं। मियांदाद का छक्का 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तारीखी इनिंग्स लोगों को आज भी याद है। तो स्पोर्ट्स एक्शन की तरफ से हैप्पी बर्थडे जावेद भाई। क्रिकेट से आते हैं टेनिस कोर्ट। साल का दूसरा ग्रैंड फ्रेंच ओपन इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। दिफाई चैंपियन रफाल नडाल हो गए निडाल। 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब हो गया चकनाचूर। नोवाक जोकोविच ने क्ले कोर्ट किंग को सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी है। इसके बाद बात करेंगे फुटबॉल की, जहां यूरोप के सबसे बड़े टूर्नामेंट यूरो कप का हो गया है आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई, फनकारों ने खूब रंग जमाया। तो सबसे पहले बात PSL की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। यूनाइटेड ने 134 रन का आसान हदफ 10 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। PSL की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने मतलूबा हदफ 10 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। वैसे ये सरफराज 11 की PSL 6 में मजमूई तौर पर है पांचवीं शिकस्त। पॉइंट टेबल पर सरफराज की क्वेटा ग्लैडिएटर्स है अब सबसे नीचे। 6 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है और ये वो मैच था जिसके बाद PSL मुलतवी करना पड़ गया था। अब अगर क्वेटा को प्लेऑफ में जाना है तो अगले चारों मैचेस जीतना होंगे। आज क्वेटा का मुकाबला पिशावर जलमी से है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त तो दी मगर इस्लामाबाद का एक खिलाड़ी क्वेटा की पूरी टीम पर भारी पड़ गया और वो थे ओपनर कॉलिन मुनरो। क्या मारा है, मतलब मारा कम है घसीटा ज्यादा है। 12 चौके, 5 छक्के, 36 गेंदों पर 90 रन बनाए। स्कोर कम था वरना मुनरो PSL में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते। यही तो फैंस देखना चाहते हैं, जब इंटरनेशनल स्टार डोमेस्टिक फायर पावर से भिड़ता है तो फायदा डोमेस्टिक खिलाड़ी को ही होता है। ऐसा ही कुछ गुज़श्ता रात के मैच में भी हुआ। आंद्रे रसल पार हिटर, जब उन्होंने मोहम्मद मूसा को लगातार 2 छक्के जड़ दिए, मूसा ने अगली गेंद की तेज बाउंसर सीधी रसल के सर पर लगी। अब टीम डॉक्टर ने रसल को चेक करने के बाद बैटिंग की इजाजत तो दी लेकिन वो अगली ही गेंद पर आउट भी हो गए। बाद में रसल को स्ट्रेचर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंद्रे के आज की मैच की शिरकत मशकूक है। क्वेटा की तो खैर है लेकिन लाहौर की तो इस सीजन हो रही है बल्ले बल्ले। पिछला सीजन जीतने वाले मैच हार जाने वाली लाहौर इस बार हारे हुए मैचेस भी जीत रही है। कलंदर्स ने पिशावर जलमी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 10 रन से शिकस्त दी। राशिद खान लगातार दूसरी बार मैन ऑफ द मैच करार पाए। तो अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। क्वेटा का तो आखिरी नंबर है ही। अब सवाल यह है कि क्या सरफराज 11 कमबैक कर पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स इस वक्त सबसे पहले नंबर पर मौजूद है। कराची किंग्स का दूसरा नंबर है और कराची किंग्स जो है वो इस वक्त, बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा नंबर है और उसके 8 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कराची का तीसरा नंबर है, पिशावर जलमी की चौथी पोजीशन है, मुल्तान सुल्तान 5वें है और क्वेटा का है बिल्कुल आखिरी नंबर। और अब एक और लीग का जिक्र, वो है कश्मीर प्रीमियर लीग। यहां खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 3 जुलाई को ड्राफ्टिंग होगी।
कश्मीर प्रीमियर लीग की प्री ड्राफ्टिंग का इनेकाद इस्लामाबाद के एक निजी होटल में किया गया। प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल कौमी खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला एडिशन इसका आगाज 4 से 14 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग जिसके हवाले से बहुत एक्सपेक्टेशन है, इसमें मोहम्मद हफीज, शाहिद आफरीदी जैसे नामवर खिलाड़ी भी हैं और दीगर खिलाड़ियों की जो हुई है प्लैटिनम कैटेगरी की अनाउंसमेंट, उसमें आसर शफीक, हैदर अली और इसके अलावा इंटरनेशनल स्टार्स भी हैं, दिलशान, हर्शल गेब्स, अवेद शाह, तीनों बेस्ट वेस्ट इंडीज से, आल बिमोकल साउथ अफ्रीका से और ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी कश्मीर प्रीमियर लीग में शामिल होंगे। क्रिकेट लेजेंड जावेद मियांदाद आज अपनी 64वीं सालगिरह मना रहे हैं। मायनाज बल्लेबाज पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा बाब है जिनके जिक्र के बगैर कौमी क्रिकेट की तारीख नामुकम्मल है। 1986 का छक्का और आलमी कप 1992 के सेमीफाइनल और फाइनल की तारीखी इनिंग्स को कोई नहीं भुला सकता। जावेद मियांदाद 237 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ऑस्ट्रेलेशिया कप के फाइनल में भारतीय बॉलर चेतन शर्मा को आखिरी बॉल पर छक्का मारकर वो कौमी हीरो बने। मियांदाद ने 124 टेस्ट मैचेस खेले और 8000 से ज्यादा रन बनाए। आईसीसी ने भी हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर को सालगिरह की मुबारकबाद दी है, तो हम भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे जावेद भाई। टेनिस का रुख करते हैं। सबसे ज्यादा 13 फ्रेंच ओपन टाइटल और मुसलसल 4 साल तक चैंपियन रहने वाले राफेल नडाल की हुक्मरानी का थी एंड। सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने नडाल को हराकर फाइनल में जगह बना ली। यूनान के स्टीफानो सिट्सपास ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव को हरा दिया। 24 टीमें 51 मैचेस, ट्रॉफी सिर्फ एक। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब का आगाज हो गया। पहले मैच में इटली ने तुर्की को 3-0 से हराया। आसमान से गिरा येलो कार्ड में अटका, ये कहानी है पोलैंड में स्काई डाइवर की फुटबॉल मैच के दौरान लैंडिंग की। रेफरी ने लैंड करने वाले स्काई डाइवर को येलो कार्ड दिखा दिया। और अब खबर यह कि तीसरी टूअर पंजाब इंटरनेशनल साइकिल रेस की तारीखों को तब्दील किया गया है। रेस का इनेकाद अब 16 जुलाई को होगा और दीगर स्टोरीज भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान की नंबर 1 टेनिस प्लेयर उष्णा सुहेल ने कोविड की सूरतहाल बेहतर होने के बाद प्रैक्टिस का कर दिया है आगाज। कहती है बतौर स्पोर्ट्स वुमन खेल से दूर रहना आसान नहीं था, मुश्किल वक्त गुजर गया है, कोर्ट में वापस आकर बेहद खुश हैं। तफसीलात लाहौर से कादिर खाजा की रिपोर्ट में। मुल्क भर में खेलों की सरगर्मियां बहाल। पाकिस्तान नंबर 1 टेनिस प्लेयर उष्णा सुहेल ने भी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। अपने खेल में बेहतरी लाने के लिए उष्णा सुहेल टेनिस कोर्ट में सख्त जान मार रही हैं। इस साल वो मौका काफी प्लेयर्स को इंक्लूडिंग मी नहीं मिला टू रिप्रेजेंट माय कंट्री, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है क्या कीप माय सेल्फ फिट, आई गेट बैक इन शेप और जो भी अपकमिंग नेशनल्स होंगे या जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स होंगे जिनमें हम पाकिस्तान के लिए मैं नुमाइंदगी करूंगी, तो आई विल डू माय बेस्ट। उष्णा सुहेल कहती हैं कोरोना के बाद टेनिस से एक साल दूर रहना आसान नहीं था, लेकिन फिजिकल फिटनेस जारी रखी। मुश्किल टाइम डेफिनेटली आई थिंक हर प्लेयर के लिए होता है जब कोरोना की वजह से आपके ग्राउंड्स बंद हो जाएं, लेकिन उसमें ये कोशिश थी कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और कुछ थोड़ा बहुत जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी होती है वो करते रहे। टेनिस स्टार पूर्व उम्मीद है कि वो नेशनल टाइटल का दिफा करेगी। नेशनल टेनिस इवेंट सितंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। कैमरामैन हुरफ व्यास के साथ कादिर ख्वाजा, समा लाहौर। स्पोर्ट्स एक्शन से आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।